गुड मॉर्निंग। तो क्लास 10th में क्या होगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कि ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं या रिप्रोडक्शन क्या होता है। सबसे पहले कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम स्पीसीज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। कि क्या एक सबसे पहले तो ये क्या एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, अपनी जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा वो कैसी होगी, फर्टाइल होगी। फर्टाइल मतलब कि वो आगे जाकर क्या कर सके, फर्टिलाइजेशन कर सके, यानी कि वो अपने वो भी क्या कर सके, अपनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके। तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग करेंगे और ऑफ सेम स्पीसीज, कि जिस स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म है वो उसी स्पीसीज क्या करेगा, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करेगा, यानी कि अपनी जैसी ही स्पीसीज का प्रोडक्शन करना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। अब है कि इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए स्पीसीज ऑन द अर्थ, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर काइंड टू मेंटेन द लाइफ ऑफ देयर स्पीसीज ऑन द अर्थ। कि रिप्रोडक्शन किस लिए अनिवार्य है, कि स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए, कि कोई स्पीसीज है वो अर्थ पर क्या रहे, लंबे समय तक सर्वाइवल रहे, उसके लिए क्या है कि रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेंगे, नए ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, ताकि जो उनकी लाइफ है वो क्या बनी रहे, अर्थ पर मेंटेन रहे, कि उस स्पीसीज की लाइफ क्या रहे, मेंटेन रहे। इसलिए वो क्या करते हैं, अपने जैसे ही स्पीसीज को क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। सेकंड क्या है कि जो प्रोसेस है ऑफ रिप्रोडक्शन की, वो अनश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, कि जो रिप्रोडक्शन है वो क्या लाइफ की कंटिन्यूटी में हेल्प करता है, कि लाइफ की कंटिन्यूटी किससे बनी रहती है, रिप्रोडक्शन। जैसे कि फर्स्ट हमारे जनरेशन है, इससे फिर नेक्स्ट जनरेशन आएगी, फिर नेक्स्ट जनरेशन, तो इस तरह क्या होगा, कंटिन्यूटी बनी रहेगी इसकी लाइफ की अर्थ के ऊपर। जैसे कि जो ह्यूमन बीइंग्स है वो क्या करेंगे, अपने बेबीज को बर्थ करेंगे, जब बेबी क्या हो जाएंगे, अडल्ट हो जाएंगे, तो क्या करेंगे वो अपने अपने बेबी को बर्थ देंगे, इस तरह क्या होगा, कंटिन्यूटी चलती रहेगी किसमें, लाइफ के में। अब है कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन होता कैसे है। मेनली दो कॉमन मेथड है किसके, रिप्रोडक्शन के। फर्स्ट होगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट कौन सा होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल जिसमें सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, एसेक्सुअल जिसमें सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो फर्स्ट कौन सा था हमारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ सेक्स सेल्स और गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि रिप्रोडक्शन का वो टाइप जिसमें जो नया ऑर्गेनिज्म है उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, दो पेरेंट्स की जो सेक्स सेल होती है, गैमेट्स होते हैं, उनके यूज से जो रिप्रोडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि दोनों की जो सेक्स सेल या गैमेट्स के फ्यूजन से जो मतलब कि प्रोडक्शन होता है उसको क्या बोलेंगे हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि ह्यूमन है, फिश है, डॉग्स है, उसमें सभी में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर आता हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो नया ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट से, कि एक सिंगल पेरेंट ही अपनी जो ऑफस्प्रिंग को क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। इसमें जो सेक्स सेल्स का या गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन क्या बोलेंगे हम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि अमीबा है, हाइड्रा, इसमें सभी में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने डेफिनेशन ही पढ़ा था कि टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, एसेक्सुअल में ओनली वन पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। इसमें जो ऑफस्प्रिंग है वो आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या होगी, आइडेंटिकल नहीं होगी। इसमें जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या होगी, बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी होगी अपने पेरेंट्स की। गैमेट सेल्स आर इन्वॉल्व, इसमें क्या होगा, गैमेट सेल्स इन्वॉल्व होंगे, इसमें जो गैमेटिक सेल्स है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होंगे। इसमें क्या होगा, वेरिएशन अगर इसमें कुछ वेरिएशन आ सकती है, मतलब कुछ कमियां आ सकती है, इसमें वेरिएशन के चांस बहुत कम होते हैं। क्यों कम होते हैं, जैसे कि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो मेल का डीएनए है, जो फीमेल का डीएनए, उन दोनों का फ्यूजन होता है।
तो मेल का डीएनए ए और फीमेल का डीएनए दोनों सेम तो होंगे नहीं, दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जब दोनों का फ्यूजन होगा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने से क्या बनेगा, एक, दोनों के फ्यूजन से क्या करेंगे, दोनों का डीएनए कहाँ पर जाएगा, वो उसमें जायगोट में, यानी कि जो नया नई ऑफस्प्रिंग बनेगी उसके अंदर आएगा, दोनों का कंबाइन होके आएगा। तो कंबाइन होने से क्या आएगा, कुछ डिफरेंस भी आएगा डीएनए के अंदर, इससे क्या होगा, कुछ वेरिएशंस भी आ सकती है, इससे जो क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो हमारी आइडेंटिकल भी नहीं होगी, क्योंकि उन दोनों का मतलब कि मेल और फीमेल का क्या है, डीएनए अलग अलग है। तो जब दोनों का डीएनए कंबाइन होकर आएगा तो एक नया डीएनए बनकर आएगा, कि उसमें कुछ क्या हो जाएंगे, कुछ चेंजेज आ जाएंगे, जिसके कारण क्या होंगे, ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल नहीं होंगी अपने पेरेंट्स से। लेकिन और इसी कारण क्या होता है, कुछ वेरिएशंस भी आती है। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होगा, ओनली वन वन उसका वन पेरेंट का यूज होगा। तो एक पेरेंट का डीएनए वो एग्जैक्ट डीएनए किसी में रहता है ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो एग्जैक्ट चीज दूसरी ऑफस्प्रिंग के अंदर आ रही है, तो क्या होगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, किसी में वेरिएशन भी नहीं होगी, और जो जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो कैसी बनेगी, बिल्कुल आइडेंटिकल बनेगी, किसके, पेरेंट्स के आइडेंटिकल, क्योंकि उसमें सिर्फ एक पेरेंट्स का क्या आ रहा है, डीएनए आ रहा है। तो जो हमारी ऑफस्प्रिंग बनेगी वो बिल्कुल कैसी होगी, आइडेंटिकल होगी, किसके, अपने पेरेंट्स के। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है हमारा, इट इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, कि जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या, कौन सा मेथड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जैसे कि जो हायर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उसमें सभी में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में ज़्यादातर किस में कॉमन है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर क्या है, ये ज़्यादा कॉमन मेथड है। जैसे कि हमारे बैक्टीरिया है, अमीबा है, हाइड्रा है, इनमें कैसा होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब है कि एडवांटेजेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं, किसके कंपैरिजन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंपैरिजन में। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द टू पेरेंट्स इन्वॉल्व देयर डीएनए कंबाइन टू ईच अदर एंड पास टू ऑफस्प्रिंग, सो वेरिएशन अकर। दिस वेरिएशन हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू अडैप्ट अडैप्ट एनवायरमेंट एज वेल एज सर्वाइवल इन देयर एनवायरमेंट। कि क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि जो दो पेरेंट्स क्या करेंगे, अपने डीएनए का इन्वॉल्वमेंट करेंगे, कि एक डीएनए कहाँ से आया, मदर से आया, एक कहाँ से आया, फादर से आया, दोनों क्या हो गए, कंबाइन हो गए, कंबाइन हो गए, कंबाइन होकर वो किस में पास होगा, वो डीएनए ऑफस्प्रिंग के अंदर, ऑफस्प्रिंग के अंदर आएगा तो क्या होगा, कुछ वेरिएशंस आएंगे, यानी कुछ चेंजेज आ जाएंगे किसमें, डीएनए के अंदर। तो ये वेरिएशन क्या करेगी, ऑर्गेनिज्म को अडोप्ट करने में हेल्प करेगी, किसको, एनवायरमेंट को, कि चेंजिंग एनवायरनमेंट को क्या करेगी, अडॉप्ट करने में हेल्प करेगी, और उसके सर्वाइवल में भी क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो ये क्या, इसलिए क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेनिफिशियल होगा किसके ऊपर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। अब नेक्स्ट क्या था, इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन द ऑर्गेनिज्म, कि डीएनए कॉपिंग का ऑर्गेनिज्म में डीएनए की कॉपिंग का क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले कि ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर, ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, सिमिलर दिखते हैं, क्यों, क्योंकि उनका जो बॉडी डिजाइन है वो क्या ऐसा होता है, सिमिलर होता है। यदि बॉडी डिजाइन सिमिलर है तो जो ब्लू प्रिंट है डीएनए डिजाइन का वो भी क्या होगा, सिमिलर होगा। दस रिप्रोडक्ट एट इट मोस्ट बेसिक लेवल बीन इन वो मेकिंग कॉपीज ऑफ ब्लू प्रिंट्स, तो जिसके कारण क्या, अगर उसका डीएनए भी सिमिलर है तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन भी क्या होगा, कॉमन होगा। तो जिसके क्या होगी, जो ब्लू प्रिंट्स की कॉपी बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, जिसके कारण जो ब्लू प्रिंट डीएनए की जो ब्लू प्रिंट्स की कॉपी भी क्या हो सकती है, आसानी से बनाई जा सकती है। द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइंस, कि जो उनकी जो डीएनए कॉपिंग कॉपिंग है रिप्रोडक्शन के टाइम, जो डीएनए की कॉपिंग होती है वो क्या करती है, उनके बॉडी डिजाइन को मेंटेन करती है, फीचर्स को, जिससे क्या कर सकता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो उस पर्टिकुलर हैबिट को, यानी इसको क्या कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे एक सिंगल पेरेंट है उसका जैसे एसेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या होगा, सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो उस पेरेंट का डीएनए किस में जाएगा, उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो वो कैसी होगी, उसकी ब्लूप्रिंट कॉपी होगी, कि सेम डीएनए क्या जा रहा है, उस ऑफस्प्रिंग के अंदर जा रहा है।
तो इसके कारण क्या होगा, जो उसकी जो बॉडी डिजाइन है, किसकी जो ऑफस्प्रिंग की बॉडी डिजाइन है, फीचर्स है, उसे भी कैसे होंगी, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग होगी। तो इससे क्या होगा, जो स्पीसीज बनेगी उसके लिए क्या होगा कि वो जो जो पर्टिकुलर हैबिट है उस स्पीसीज के लिए, पर्टिकुलर हैबिट और इसमें क्या होगी, आसानी से रह सकेंगी, क्योंकि उनके पास कैसी उनकी हैबिट कैसी है, मतलब उनका डीएनए है, उनकी हैबिटेट कैसी है, बिल्कुल अपने पेरेंट की जैसी है। तो इस तरह क्या कर सकेंगे कि वो उस एनवायरमेंट में अपने आप को एनवायरमेंट के अनुसार अपने आप को क्या कर लेंगे, डाल लेंगे, क्योंकि वो एनवायरमेंट में वो क्या करेंगे, सर्वाइव कर सकेंगे। ये था कि डीएनए कॉपिंग की इसमें ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस के द्वारा होता है। तो कॉमनली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्यूजन के द्वारा, बडिंग के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, रीजनरेशन के द्वारा, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा, टिश्यू कल्चर के द्वारा और माइक्रो प्रोपोगेशन। ये सभी प्रोसेस इनके द्वारा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि वन सिंगल पेरेंट से क्या होगा, उसकी ऑफस्प्रिंग का इन्वॉल्वमेंट। डिटेल से इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।